जग मेरे बिना रहना होगा। गाइस वीडियो को शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस वाले वीडियो को गाइस ना एंड तक देख लेते हैं तो आप 110% गाइस ना कुछ इस टाइप की कमाल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और गाइस इस वीडियो के अंदर आपका भाई क्या बताने वाला है कि आप एक नॉर्मल वीडियो को ना उसमें आप स्लो फास्ट मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं और साथ ही गाइस ना उसमें कुछ कमाल की इफेक्ट भी आपका भाई ऐड करना बताने वाला है। और ये सारी चीज़ें गाइस आप बेहद सिंपल तरीके से कर सकते हैं, केवल आप अपने भाई का वीडियो ना एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो में आपको पूरा मजा आने वाला है गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो भी कर लीजिएगा गाइस। तो चले गाइस इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना होगा, आपको अपने VN ऐप को यहां से सिंपली ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे तो जाए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के सामने गाइस कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस बेहद सिंपल तरीके से आपका भाई बताने वाला है, एक एक स्टेप को फाड़ के रख देगा, स्लोमो कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है, इफेक्ट कैसे ऐड करना है, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग गाइज इसी वीडियो के अंदर आपका भाई बताएगा। तो आपको सिंपल से ना नीचे साइड में प्लस के आइकन पे गाइज क्लिक करना होगा और देन दोस्तों जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगी। तो हम लोगों को सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर गाइज क्लिक करना होगा और देन दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के जो है गैलरी की सारी यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज आ जाएंगी। तो देख सकते हैं गाइज मैं अभी वीडियो वाले सेक्शन में हूँ और जिस वीडियो को मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और कर लेने के बाद गाइज सिंपल से ना नीचे साइड में एक तीर वाला आइकन आपको मिलेगा, तो तीर के आइकन पे गाइज सिंपल से आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग देगा और ये सीधे आपको VN ऐप में कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को नज़र आएगा। तो गाइज ये तो आ गई VN ऐप में हम लोगों की वीडियो। तो गाइज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई बेहद सिंपल तरीके से बताने वाला है कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लोमो कर सकते हैं, सारी चीज़ें इफेक्ट डालना, कलर ग्रेडिंग करना। तो बहुत ही इजी स्टेप में गाइज एडिटिंग आप करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा गाइज एंड तक। तो गाइज सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होने वाला है ना, तो आपको ऐसे लास्ट में स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे VN ऐप का एक मिल जाएगा इनपुट टाइटल, तो सिंपल से इसे ना हम लोग सेलेक्ट करके नीचे साइड में डिलीट वाले ऑप्शंस पे गाइज डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद अब सबसे पहला काम आप लोगों का क्या आता है ना कि जो भी इस वीडियो में हम लोगों का शुरू और लास्ट में जो है फालतू पार्ट है उसे हम लोगों को रिमूव करना होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपल से गाइज क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग चला लेते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो में अभी साउंड है तो साउंड को हम लोग ऑफ कर देंगे। नीचे साइड में आपको गाइज बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको नीचे साइड में ऐसा स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन गाइज आप लोगों के सामने मिलेगा, तो वॉल्यूम के ऑप्शंस में गाइज आप क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे यानी कि 0% और सिंपल से नीचे साइड में राइट क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से चला के हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में फालतू पार्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ से चला देता हूँ, देख सकते हैं गाइज यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया है। तो क्या करेंगे गाइज, जहाँ से ये टाइम व्हाइट वाला टाइमलाइन है ना, जिस भी जहाँ से आपको वीडियो को कट करना है इस व्हाइट वाले टाइमलाइन को वहीं पे आप सिंपल रख दीजिएगा गाइज। और रखने के बाद आपको नीचे साइड में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे कैची का ऑप्शन मिलेगा गाइज स्प्लिट करके, तो कैची वाले ऑप्शंस पे गाइज आप सिंपली क्लिक ऐसे ही करेंगे ना तो यहाँ से आपकी वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको सिंपल से जिस वाली वीडियो को डिलीट करना है पार्ट को उसे ऐसे आपको सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप गाइज सिलेक्ट करेंगे तो ये येलो वाला स्टॉक बन जाएगा, तो येलो वाले को हम लोग जो है ना इस पार्ट को सिलेक्ट करके और नीचे वाले डिलीट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। और गाइस जैसे ही हम डिलीट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो को चला के देखेंगे कि जो भी हम लोग का फालतू पार्ट था वो डिलीट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह हम लोग लास्ट में भी कर लेते हैं, लास्ट में जो हम लोग का फालतू पार्ट है देख सकते हैं गाइस इतना फालतू पार्ट है हम लोगों का। तो सिंपल से गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कैंची वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके और सिंपल से इस वाले पार्ट को लेके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो गाइज अब बची है हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश पार्ट, देख सकते हैं गाइज वीडियो को मैंने चला रहा है, अब जो भी वीडियो हम लोगों का बचा है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। और इसी में गाइज मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन कर सकते हैं और साथ ही गाइज इफेक्ट भी डालना आपका भाई बताने वाला है बेहद इजी स्टेप में और साथ ही कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले गाइज इस वीडियो को हम लोग स्लो मोशन कर लेते हैं। तो गाइज सिंपल तरीके से स्लो मोशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे साइड में ऐसा स्क्रॉल करना होगा
और गाइस जैसे ही आप इस कॉल करेंगे ना तो आप लोगों के सामने एक यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। तो स्पीड वाले ऑप्शंस पे गाइस आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही गाइस आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप के आप लोगों के सामने ऑप्शंस गाइस मिलेंगे। तो पहले तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। गाइज मैं आप लोगों को कट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भाई कुछ टिप्स बताने वाला है। तो आपको अपने वीडियो के बीच से गाइज ना ऐसे यहाँ से कट कर देना होगा और कट कर लेने के बाद पहले पार्ट को गाइज हम लोग लेंगे, स्पीड वाले ऑप्शंस पे आएंगे और क्या करेंगे गाइज थोड़ा शुरू में हम लोगों को ना स्पीड अपनी वीडियो को रखना है। तो और नीचे साइड में ऐसे आपको अगर गाइज ये देख सकते हैं जो बूंदा है ना गाइज, ये बूंदा जो है इसे आप पकड़ के नीचे अगर ले चलेंगे तो इस पार्ट की इस टाइमलाइन की वीडियो जो होगी गाइज ना बिल्कुल स्लोमो हो जाएगी। तो मैं इतना स्लोमो कर लेता हूँ गाइज और थोड़ा सा इसे उठा लेता हूँ ताकि यहाँ पे जब हम लोग की वीडियो आए ना यहाँ पे गाइज तो फास्ट हो जाएगी और यहाँ पे जब हम लोग की वीडियो गाइज आएगी इस वाले पार्ट पे तो यहाँ पे गाइज हम लोग की वीडियो बहुत स्लोमो हो जाएगी। तो गाइज ऐसे ही आप स्लोमो कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे मैं कर्व को बना रहा हूँ। गाइज इसे आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए कि कितना आपको अपनी वीडियो में स्लोमो रखना है और कितना नहीं रखना है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे कर लेता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से और यहाँ से सिंपल राइट क्लिक कर देंगे और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ कि ये वीडियो कैसी हम लोगों की स्लोमो हुई है। ये गाइज पहला पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट को हम लोगों को अभी ना स्लोमो करना है। तो पहला पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज कितना स्मूथली ये हम लोगों का वीडियो स्लोमो हो चुका है, देख सकते हैं गाइज स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट देख सकते हैं गाइज। इसमें क्या गड़बड़ है गाइज ना, स्पीड वाले ऑप्शंस पे आएंगे थोड़ा सा इसे हम लोग उठा देंगे क्योंकि गाइज कुछ ज़्यादा ही हम लोग की वीडियो यहाँ पे स्लोमो आ जा रही है। तो ऐसे गाइज हम लोग कर लेते हैं और ये वाली पार्ट तो गाइज हो चुका है और इस वाली पार्ट को गाइज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से भी स्पीड वाले ऑप्शंस पे आएंगे गाइज और सिंपल से इसकी कर्व लाइन को ऐसे नीचे कर देंगे और थोड़ा सा इसे ऊपर और अगेन इसे नीचे और थोड़ा सा ऊपर। और गाइज ऐसे ही आपको अपने वीडियो में स्लोमो को ऐड करना है। तो यहाँ से सिंपल गाइज राइट क्लिक कर देंगे और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पूरी वीडियो गाइज मैं आप लोगों को एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज कितना ओसम तरीके से हम लोग की वीडियो स्लो एंड फास्ट हो रही है। तो गाइज देख सकते हैं कितना ओसमली वीडियो हम लोग की चल रही है। और गाइज इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैसे इस वीडियो में आप इफेक्ट को डालेंगे। गाइज ये वीडियो स्लो एंड फास्ट तो हो चुकी है लेकिन जब इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट को ऐड करेंगे ना तो वीडियो देखने में और भी बवाल दिखेगी। तो गाइज इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल से क्या करना होगा, देख सकते हैं ऐसे आपको जहाँ इफेक्ट को डालना है गाइज ना ऐसे इस टाइमलाइन को लाएंगे और यहाँ पे कैची वाले ऑप्शंस पे गाइज सिंपली आप क्लिक कर दीजिएगा और अगेन गाइज इसमें भी हम लोग ना इस वाले पार्ट में भी कैंची वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे। और गाइज ऐसे आपको कर लेने के बाद ना देख सकते हैं इस यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन मिलेगा। तो गाइज सिंपल से क्या करेंगे इस पर हम लोग क्लिक करके यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट को गाइज ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट है गाइज यहाँ पे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जूम इन करता हूँ और जूम इन कर लेने के बाद क्या करेंगे गाइज जब ये वीडियो चलेगी ना तो देख सकते हैं ऐसे जूम होगी और जूम होने के बाद गाइज ना इसी पार्ट में हम लोग इस सेकी इफेक्ट को डालने वाले हैं। तो गाइज सिंपल तरीके से आप इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा इफेक्ट को ऐड करने के लिए, नीचे साइड में ऑप्शंस मिलेंगे, एक एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। तो एफएक्स वाले ऑप्शंस में गाइज सिंपल से आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस गाइज मिलेंगे। तो देख सकते हैं गाइज इस वाले इफेक्ट को आप ऐड कीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जंप डाउन करके एक इफेक्ट है, जिटर डाउन करके ये वाली इफेक्ट गाइज, इसे हम लोग यहाँ से राइट कर देते हैं और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी मैं चला देता हूँ। ये अब देखिए गाइज ये वीडियो कितना ओसम लग रहा है। तो गाइज क्या करेंगे जो भी जहाँ जहाँ हम लोगों ने काटा वहाँ पे क्या करेंगे जूम इन इफेक्ट को हम लोग लगा देंगे। तो मैं फटाफट सब में जूम इन गाइज ये कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ फिर बताता हूँ कि कैसे आपको इफेक्ट को ऐड करना है। तो देख सकते हैं गाइज शुरू में हम लोग क्या करेंगे ना थोड़ा सा फ्लैश को ऐड करेंगे। तो फ्लैश को ऐड करने के लिए यहाँ से एफएक्स वाले ऑप्शंस पे जाना होगा, यहाँ पे वाइट मिल जाएगा फ्लैश और यहाँ पे ब्लैक वाइट मिल जाएगा। तो मैं ब्लैक को लेके ना यहाँ पे देख सकते हैं पीरियड वाले ऑप्शन को गाइज मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे छोटा करके और सिंपली राइट क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए गाइज ये वीडियो हम लोग की किस टाइप से हो चुकी है। देखिए गाइज कितना अच्छे से फ्लैश जरा फिर आया फिर सेकी इफेक्ट और अगेन यहाँ पे जूम इन और देखिए गाइज यहाँ पे हम लोग को इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो एफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाके गाइज यहाँ पे आप जिस भी इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक कर लेता हूँ
और अगेन इस पार्ट में आके गाइज इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे भी गाइज जो भी आपको इफेक्ट पसंद है यहाँ से सिंपल ऐड कर लीजिएगा। मैं फटाफट से गाइज ऐड कर लेता हूँ सारे में। तो यहाँ पे भी गाइज मैं वही इफेक्ट यूज करने वाला हूँ डाउन वाला, और अब देखिएगा आपकी वीडियो गाइज कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करके गाइज आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना ओसम से ये वीडियो हम लोग की स्लो एंड फास्ट हो चुकी है। और साथ ही गाइज इसमें मैंने कमाल की इफेक्ट भी आप लोगों को ऐड करना बताया, देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी बवाल दिख रही है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ये वीडियो हो चुकी है। अगर गाइज आप चाहते हैं इसमें म्यूजिक को भी ऐड करना तो इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे गाइज आके और म्यूजिक वाले पे क्लिक करके आप जिस भी सॉन्ग को यहाँ से ऐड करना चाहते हैं यहाँ से सिंपली गाइज ऐड कर सकते हैं। तो मैं किसी भी सॉन्ग को यूज नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताने के लिए इस वीडियो को ही ट्यूटोरियल दिया है। सो गाइज देखा आप लोगों ने कितना सिंपल तरीके से मैंने इस टाइप की वीडियो एडिटिंग आप लोगों को सिखा दिया है। तो इस वीडियो को गाइज आपको HD में सेव करने के लिए सिंपल से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिएगा गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।